Assalamualaikum दोस्तों, Vivo V21 waterproof है या नहीं, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे। फोन 60,000 रुपीज के प्राइस टैग के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया, बहुत ही जबरदस्त इवेंट था, मैं खुद उसका पार्ट था। आई हैड फन विद फाद मुस्तफा, हानिया आमिर, अजफर एंड अमीर ढागा फ्रॉम reviews.pk। बट आज की वीडियो है टोटली इस फोन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस फोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बट क्या ये फोन वाटरप्रूफ है या नहीं, इसका कोई पता नहीं, सिंस इसकी कोई IP रेटिंग नहीं है। तो टेक फॉर टेस्ट का काम है कि इस तरह के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करें, ताकि कंज्यूमर्स को वैल्यू फॉर मनी का जो आइडिया है अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो हो जाए कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी के अगेंस्ट गुड है या नहीं। तो जल्दी से चलते हैं, वाटर टेस्ट शुरू करते हैं Vivo V21। तो दोस्तों, ये है हमारे पास Vivo V21, जिसका हम करने जा रहे हैं आज वाटर टेस्ट। और इस डिवाइस की अगर बात की जाए IP रेटिंग की, तो हमें कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू टेस्ट आउट दिस डिवाइस फॉर अ मिनट, ताकि हम ये देख सकें कि क्या पानी से एक मिनट के बाद ये चार्जिंग, कैमरा, बैटरी, यानी सारे फंक्शंस को नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सकेगी या नहीं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम इसको रखते हैं बाउल में और टाइमर को करते हैं हम सेट। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने घरों पे ऐसा कोई भी टेस्ट परफॉर्म मत कीजिएगा, ताकि आपको आपका फ़ोन खोना ना पड़े। तो 3, 2, 1 गो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी के साथ मक्खी भी चल रही है यहाँ पे, और आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट हम चूँकि इस वाटर टेस्ट को रोक नहीं सकते। दोस्तों, इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो आपको 44 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आज से पहले किसी भी डिवाइस में नहीं देखा गया। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, यानी कि ये वो फ़ोन है जिसके दोनों कैमराज में OIS है। यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 का 5G प्रोसेसर इंटीग्रेटेड है, स्क्रीन बहुत कमाल है, और फ़ोन थोड़े से मसले करने शुरू हो गया है, और देखते हैं कि क्या कहीं ये फेल तो नहीं हो गया Vivo V21 का वाटर टेस्ट। तो हम ज़रा इसको पानी से निकाल के करते हैं साफ, और ये जनाब एक मिनट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फ़ोन को निकालते हैं बाहर और इसको करते हैं साफ, और फिर करते हैं बाकी बात। तो दोस्तों, हमने इसको पानी से निकाल लिया, अब सबसे पहले हम इसका फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट जो Vivo V21 का है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे टच की अगर आप बात करते हैं, तो टच भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हमें कोई भी जो मसला या परेशानी है वो देखने को नहीं मिल रही। बाकी ऐप्स को भी ओपन करके चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं या कोई लैग तो नहीं देखने को मिल रहा। अगर बात की जाए कैमरा की, तो यहाँ पे हम अपने कैमरा को भी टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाली सेल्फ़ी भी है। मैं असल में देखना चाह रहा हूँ कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कैमरा में। नहीं जी, यहाँ पर हमारे पास जो बैक कैमरा है, हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बैक कैमरा है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो फ़ोन का टच, फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर, फ़ोन का कैमरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसके वॉल्यूम रॉकर्स को चेक कर लेते हैं, ताकि हम साउंड टेस्ट कर सकें। तो वॉल्यूम रॉकर्स भी ठीक है, और हम यहाँ पे साउंड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो साउंड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, यानी फ़ोन के अंदर पानी तो गया, बट फ़ोन सर्वाइव कर गया फॉर अ मिनट। तो आखिरी जो टेस्ट है वो चार्जिंग टेस्ट है, चेक कर लेते हैं कि क्या Vivo इसको चार्ज करेगा या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्ज भी कर रहा है, और इसको दोबारा चेक कर लेते हैं।
जी, और साउंड भी ठीक है, कैमरा भी ठीक है, चार्जिंग भी ठीक है, यानी फ़ोन अगर गलती से आपका पानी में गिर भी जाता है तो आपको ये फ़ोन जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दोस्तों, ये डिवाइस के लॉन्च इवेंट में भी मैं था और मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट बनूं जो कि ठीक ना हो। तो मज़ा आया। वीवो V21 इज़ डेफिनेटली अ ड्यूरेबल फ़ोन, और एक आधे मिनट के लिए अगर ये गलती से पानी में गिर भी जाता है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।